हम आप बोझे हैं बरिया वाले नर्मदा तट पर स्थित बरिया घाट पर। माना जाता है कि यह बरिया घाट बहुत प्रसिद्ध है। दादाजी धूने वालों की कहानी इसी बरिया घाट से चालू हुई है। माना जाता है कि इस बरिया घाट से दादाजी का निकलना हुआ और यहीं से दादाजी धूनी वालों का लीलाओं का जो कार था वो यहाँ से चालू हुआ। आज हम इस बरिया घाट पर मौजूद हैं। बताते हैं कि इस विशाल बरिया घाट में संतों का डेरा है। हजारों साल की तपस्या इस बरिया घाट पे संतों ने की है। लगातार इस बरिया घाट का जिक्र संतों के कार्यों में होता है। दादाजी धूनी वाले जो कि शिव अवतारी संत कहलाते थे, जिनकी जमात थी गुरुशंकर दादाजी की, उस जमात में श्री दादाजी धूनी वाले इस बरिया घाट से रुक जाते हैं और यहाँ अपना डेरा जमा लेते हैं। कुछ दिनों बाद, सालों बाद यहाँ से एक चरवाहे को दादाजी दिखते हैं और वो यहाँ से दादाजी की लीला स्थल चालू होती है। अभी भी इस बरिया घाट का बड़ा महत्व है, बड़ी शांति है। विशाल अलग अलग आप देख रहे हैं बरिया की जो विशाल जो लटे हैं वो जगह जगह एक पेड़ का रूप ले लिया है। वे बड़ा विशाल वृक्ष इस बरिया घाट का है। थोड़ी दूरी पर यहाँ से संदूक में भी दादाजी के एक समाधि स्थल। यहाँ से अपन अगर नीचे की तरफ मां नर्मदा की ओर जाते हैं तो संत मौनी दादाजी का समाधि स्थल बना हुआ है। चारों ओर जगह जगह पर कुछ ही दूरी पर संतों का डेरा इस बरिया घाट के आसपास है। माना जाता है जो भी भक्त अपनी सच्ची मुराद लेकर इस दरबार में आता है उसकी हर मनोकामना पूर्ण होती है। कहा भी जाता है और बोला भी जाता है, इरादे अगर मन में सच्चे हों तो भावना भी सच्ची होती है। भक्ति अगर दिल में हो तो यहाँ मुराद भी पूरी होती है। माना जाता रहा है और सभी भक्त और संत यहाँ आकर बैठकर शाम को भजन गाते हैं। भजो दादाजी का नाम, भजो हरिहर जी का नाम, भजो मौनी दादाजी का नाम, भजो हरिहर जी का नाम। मैं नरसिंहपुर जिला से बिनोद चौक से दादाजी बरिया घाट से आपको ये बता रहा हूँ। धन्यवाद।